नमस्कार, प्रस्तुत है चित्रलेखा उपन्यास का चौथा परिच्छेद। इस परिच्छेद में योगी कुमार गिरी की कुटिया का चित्रण है। अब राजभवन से इस परिच्छेद में जंगल आ जाते हैं और इस जंगल में बीजगुप्त और चित्रलेखा घूमने के लिए आए हुए होते हैं और रात्रि हो जाती है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो ये लोग योगी कुमार गिरी के कुटिया पहुँचते हैं और वहाँ पर आश्रय पाते हैं रात भर के लिए। और यहाँ पर चित्रलेखा और कुमारगिरी में तर्क वितर्क चलता है और दोनों एक दूसरे से सहमत ना होते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशाल देव ने कुमारगिरी में एक महान आत्मा देखी। कुमारगिरी के ज्ञान और तेज के सामने वह झुक गया। कुमारगिरी के तर्क अकाट्य थे। विशाल देव के सब भ्रमों को वह क्षण में निवारण कर देता था। कुमारगिरी ने विशाल देव को योग का अभ्यास कराना आरंभ कर दिया। कुमारगिरी को योग्य शिष्य मिला और विशाल देव को योग्य गुरु। उस दिन कुमारगिरी विशाल देव को उपासना का महत्व बतला रहे थे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। निर्जन में कुमारगिरी की कुटी का दीपक टिमटिमा रहा था। अचानक द्वार पर पद ध्वनि सुनाई दी और साथ ही किसी ने कहा, भूले हुए पथिक रात्रि भर के लिए आश्रय चाहते हैं। कुमारगिरी ने उत्तर दिया, उनका स्वागत है। मेरी कुटी प्रत्येक भूले हुए प्राणी के लिए खुली है। अपने उत्तर पर कुमारगिरी स्वयं हंस पड़े। उसी समय एक स्त्री के साथ एक पुरुष ने कुटी में प्रवेश किया। स्त्री को देखकर योगी कुमारगिरी चौंक उठे। उन्होंने पुरुष से कहा, अतिथि, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ एक स्त्री भी है? तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि यह उस योगी की कुटी है जो संसार छोड़ चुका है। पुरुष ने उत्तर दिया, भगवन, मुझे तो ज्ञात है कि यह एक योगी की कुटी है, पर यह नहीं सोचा था कि एक इंद्रियजीत योगी को केवल रात्रि भर के लिए एक स्त्री को और उस स्त्री को जो एक पुरुष के साथ है आश्रय देने में संकोच होगा। इस उत्तर से कुमारगिरी निस्तेज हो गए। उस समय तक स्त्री आसन पर बैठ गई थी और दीपक के मंद प्रकाश के सामने उसका मुख हो गया था। कुमारगिरी ने कहा, अतिथि, मैंने इस कुटी में स्त्री को आश्रय देने में संकोच किया था, वह इसलिए कि स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है और वासना है। ज्ञान के आलोकमय संसार में स्त्री का कोई स्थान नहीं, पर फिर भी तुम दोनों मेरे अतिथि हुए, इसलिए तुम दोनों का अतिथि सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। स्त्री अभी तक इस वार्तालाप को आश्चर्य तथा कौतूहल के साथ सुन रही थी। उसने कुमारगिरी के वाक्य समाप्त होने पर उनके सामने अपना मस्तक नमाकर कहा, प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम है। वाक्य तीर की भांति पैना तथा घातक था। स्वर संगीत की भांति कोमल, सौंदर्य में कवित्व था, वासना की मस्ती में अहंकार। कुमारगिरी इस असाधारण स्त्री का असाधारण अभिवादन सुनकर चौक से उठे। उन्होंने उस स्त्री की ओर ध्यान से देखा। स्त्री को देखकर वे चकित हो गए। अपने जीवन में उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री ना देखी थी। स्त्री के उस वाक्य का उत्तर देना उन्होंने उचित ना समझा। पुरुष से उन्होंने कहा, अपने अतिथियों का परिचय पाने का मुझको अधिकार प्राप्त है। पुरुष ने उत्तर दिया, भगवन, इस दास का नाम बीजगुप्त है और वह पाटलिपुत्र का एक सामंत है और यह स्त्री पाटलिपुत्र की सर्व सुंदरी नर्तकी चित्रलेखा है। बीजगुप्त और चित्रलेखा, इस बार कुमारगिरी चित्रलेखा की ओर मुड़े। नर्तकी चित्रलेखा, तुम्हारे कवित्व की कर्कशता पर उन्माद का आवरण है। तुम्हारे विष को तुम्हारा सौंदर्य छिपाए हुए है। तुम मेरी अतिथि हो और तुमने मेरी अभ्यर्थना की है। आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। भगवान तुम्हें सुमति प्रदान करे। चित्रलेखा हंस पड़ी। उसके मधुर हास्य में मन को लुब्ध कर देने वाला पराग था।
योगी, सुमति के अर्थ में भेद होता है। अनुराग का सुख विराग का दुख है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धांतों को निर्धारित करता है तथा उन पर विश्वास भी करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने को ठीक मार्ग पर समझता है और उसके मतानुसार दूसरे सिद्धांत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर है। अनुराग की दासी नर्तकी के विराग के स्वामी योगी का सामना किया। क्रांति और शांति का मुकाबला था, जीवन और मुक्ति में होड़ थी। कुमारगिरी ने अविचलित भाव से उत्तर दिया, पर सत्य एक है, वास्तविकता का ज्ञान, मार्ग वही ठीक है जिससे शांति तथा सुख मिल सके। कुमारगिरी का स्वर गंभीर था, तपस्या का तेज नवयुवक योगी के सुंदर वेश को आलोकित कर रहा था। कुमारगिरी की बड़ी बड़ी आंखों में शांति की ज्योति थी। योगी की आंखें नर्तकी की आंखों से एक क्षण के लिए मिल गई। वासना तपस्या के सामने कांप उठी। चित्रलेखा ने अनुभव किया कि जिस योगी के सामने वह बैठी हुई है वह बहुत उच्च कोटि का है, फिर भी उसने साहस के साथ कहा, शांति और सुख। शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है और रहा सुख, उसकी परिभाषा एक नहीं। योगी कुमारगिरी नर्तकी चित्रलेखा के मुख से दर्शन के विकृत सिद्धांतों को तर्कयुक्त सुनकर स्तब्ध रह गए। जिस स्त्री से वे बातें कर रहे थे वह सुंदरी होने के साथ साथ विदुषी भी थी। उस स्त्री में विचार शक्ति थी और प्रतिभा भी थी। प्रतिभा का मुकाबला प्रतिभा ही कर सकती है और ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा तथा मौलिकता का सर्वोच्च स्थान है। कुमारगिरी कुछ देर तक मौन रहे, इसके बाद उन्होंने धीरे से दृढ़ता के साथ कहा, ठीक कहती हो, शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है और अकर्मण्यता ही मुक्ति है। जिसे सारा विश्व अकर्मण्यता कहता है वह वास्तव में अकर्मण्यता नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में मस्तिष्क कार्य किया करता है। अकर्मण्यता के अर्थ होते हैं जिस शून्य से उत्पन्न हुए हैं उसी शून्य में लय हो जाना, और वही शून्य जीवन का निर्धारित लक्ष्य है। और अभी तुमने सुख की परिभाषा की बात कही थी, उसे भी मैं ठीक मानता हूँ, पर सुख एक ही है, उसमें भेद नहीं होता। वह सुख क्या है? जब मनुष्य यही जान गया तब वह साधारण परिस्थिति से कहीं ऊपर उठ जाता है। चित्रलेखा ने कुमारगिरी की बातों से में सार देखा। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि नवयुवक योगी की ओर स्वयं ही बिना अपनी इच्छा के आकर्षित होती जाती है। उसने एक बार फिर साहस किया, शून्य, योगी तुम्हारे उस शून्य पर विश्वास ही कौन करता है जो कुछ सामने है? यही सत्य है और नित्य है। शून्य कल्पना की वस्तु है। शून्य की महत्ता की दुहाई देने वाले योगी, क्या तुम अपने और मेरे ममत्व में भेद देखते हो? यदि हाँ तो तुम शून्य पर विश्वास नहीं करते, और यदि नहीं तो तुम्हारा ज्ञान और अंधकार, सुख और दुख, स्त्री और पुरुष तथा पाप और पुण्य का भेदभाव मिथ्या है। मनुष्य को जन्म देते हुए ईश्वर ने उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया। उसने मनुष्य को इसलिए जन्म दिया है कि वह संसार में आकर कर्म करे, कायर की भांति संसार की बाधाओं से मुख ना मोड़ ले। और सुख तृप्ति का दूसरा नाम है। तृप्ति वही संभव है जहाँ इच्छा होगी, वासना होगी। योगी गंभीर था और नर्तकी मुस्कुरा रही थी। बीजगुप्त अपनी शिष्या अथवा अपनी जीवन संगनी चित्रलेखा के मुख से अपने सिद्धांतों को तर्कपूर्वक सुनकर मन ही मन चित्रलेखा पर मुग्ध था, और विशाल देव नर्तकी के ज्ञान से चकित। दोनों कुमारगिरी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुमारगिरी कुछ देर तक मौन भाव से बैठे रहे, फिर उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, ईश्वर
ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं, भेद केवल बाह्य है, सांसारिक है। माया और ब्रह्म के संयोग से ही संयोग को ही ममत्व कहते हैं, और माया वास्तव में ब्रह्म का अंश होते हुए बाह्य दृष्टि से पृथक है। ब्रह्म जब तक माया में लिप्त रहता है तब तक संसार के जाल में फंसा रहता है, माया को छोड़ देने के बाद वह स्वयं हो जाता है। तुम और मैं, वास्तव में यहाँ कोई भेद नहीं है, क्योंकि तुम भी ब्रह्म का अंश हो और मैं भी। पर भेद केवल इतना है कि तुम माया मिश्रित ब्रह्म हो और मैं माया को छोड़ चुका हूँ। इसलिए मैं माया को जीवन से पृथक रखना चाहता हूँ कि कहीं पीछे ना चले जाना पड़े। और सुख कहते हैं कि तृप्ति को, यहाँ भी तुम भूलती हो। यदि तृप्ति ही संतोष का एकमात्र साधन हो सके तो वह सुख अवश्य है, पर कर्म जाल में फंसे रहने पर तृप्ति के साथ संतोष नहीं होता। ब्रह्म माया के संयोग से स्वयं को भूल जाता है और कर्म जाल में भटकने लगता है, पर जिस समय वह माया को छोड़ देता है और अपने को जान लेता है वह तृप्त हो जाता है और साथ ही उसे संतोष हो जाता है। दुखमय संसार को छोड़ देने ही को सुख कहते हैं। कुमारगिरी थोड़ी देर तक रुके, फिर चित्रलेखा को उत्तर देने का अवसर दिए बिना ही उन्होंने कहा, और याद रखना, तर्क का अंत नहीं होता, सत्य अनुभव की वस्तु है। अनुभव और विश्वास बिना इसके मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इतना कहकर कुमारगिरी उठ खड़े हुए। रात्रि अधिक बीत रही है, विश्राम करना उचित होगा। चित्रलेखा को कुमारगिरी के इस उत्तर से संतोष ना हुआ। कुमारगिरी भी यही अनुभव कर रहा था, पर साथ साथ कुमारगिरी के व्यक्तित्व ने चित्रलेखा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। योगी ने नर्तकी में ज्ञान देखा और नर्तकी ने योगी में सौंदर्य। एक विचित्र बात थी, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट ना थे पर प्रभावित अवश्य थे। दोनों ने एक दूसरे में आकर्षण देखा, योगी ने ज्ञान का और नर्तकी ने सौंदर्य का, पर बीजगुप्त ने क्या देखा यह वह स्वयं ही ना समझ सका। कुमारगिरी और चित्रलेखा की बातचीत से उसके हृदय में एक प्रकार की अशांति उत्पन्न हो गई। अशांति सिद्धांतों के संबंध में ना थी, फिर किस प्रकार की अशांति थी इसे वह जानने की लाख चेष्टा करता हुआ भी ना जान सका। उसके हृदय में, चित्रलेखा के हृदय में कुमारगिरी के प्रति आकर्षण की छाया का एक क्षीण आभास पा लिया था, पर वह इस पर विश्वास ना कर सका। कुमारगिरी ने कहा, मेरा शिष्य विशाल देव आज रात को मेरी कुटी में विश्राम करेगा, उसकी कुटी खाली है, अतिथि वहाँ जा सकते हैं। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ, साथ ही चित्रलेखा। चलते हुए चित्रलेखा ने कहा, योगी, तपस्या जीवन की भूल है, यह मैं तुम्हें बताए देती हूँ। तपस्या की वास्तविकता है आत्मा का हनन। अच्छा, श्री चरणों को नर्तकी चित्रलेखा का प्रणाम। इतना कहकर वह हंसते हुए बीजगुप्त के साथ कुटी से बाहर चली गई। चित्रलेखा के जाने के बाद कुमारगिरी हंस पड़े। ठीक कहती हो, तपस्या कहते हैं आत्मा के हनन को, और आत्मा ब्रह्म और माया के संयोग को कहते हैं। जिस समय आत्मा मर जाती है माया का विकार लोप हो जाता है और सच्चित आनंद ब्रह्म रह जाता है। पर नर्तकी, तुम में यदि अनुभव होता, यदि तुम्हारी परिस्थिति दूसरी होती तो शायद तुम भी इस रहस्य को समझ सकती। तुम में ज्ञान है पर उस ज्ञान का कोई पथ प्रदर्शक नहीं है। मुझे तुम पर दुख है। विशालदेव बीजगुप्त और चित्रलेखा को अपनी कुटी में पहुंचाकर गुरु की कुटी में लौट गया। शयन से पहले बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा ने उत्तर दिया, प्रियतम। बीजगुप्त ने एक ठंडा श्वास लेकर कहा, हृदय पर एक प्रकार का भार सा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम दोनों के जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। चित्रलेखा,
कुमारगिरी योगी है और संभवतः उसमें आकर्षण शक्ति भी है। चित्रलेखा का मुख एक क्षण के लिए पीला पड़ गया, पर उसने संभल कर उत्तर दिया, प्रियतम कुमारगिरी योगी है और मूर्ख है, उसकी आत्मा मर चुकी है। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को और अपने को धोखा देने का प्रयत्न किया। उसने फिर कहा, कुमारगिरी निर्जन का निवासी है और हम दोनों कर्म क्षेत्र के अभिनेता हैं। कुमारगिरी ने वासनाओं का हनन कर दिया है और हम दोनों वासनाओं पर विश्वास करते हैं। कुमारगिरी के जीवन का लक्ष्य है कल्पना का शून्य और हम दोनों के जीवन का लक्ष्य है मस्ती और पागलपन। प्रियतम, संसार में कोई भी व्यक्ति हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। बीजगुप्त का मुख प्रसन्नता से चमक उठा, भगवान ऐसा ही करें। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को धोखा दे दिया, पर वह अपने को धोखा ना दे सकी। उसने मन ही मन कहा, पर कुमारगिरी सुंदर अवश्य है। और इसी के साथ यह चौथा परिच्छेद यहीं समाप्त होता है। मिलूँगा फिर पांचवें परिच्छेद को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।